हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे परेशान हो गए हम भी। फोन कर करके आदमी लोग परेशान करते हैं कि मेरे पति जो है माल दूसरे स्त्री को दे रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन स्त्रियों से मेरा कहना है, या जो भी बाबा है, तो जब भी वो आए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या उसे बता दें, जो सुन रहे हैं उसके लिए भी है, बाबाओं के लिए भी है, ठीक है। क्या करें, अभी चैत का महीना है, और या फिर जब देवी का श्रृंगार होता है, माँ सरस्वती हो गए, सरस्वती माता का श्रृंगार उतने मंत्र के द्वारा नहीं होते हैं, पर माता काली हो गया, देवी दुर्गा हो गई, इस प्रकार की जो देवी है, ग्राम काली है, जो ग्राम में गांव में काली है, दक्षिण दिशा में जिसकी काली का मंदिर है, मुख है, तो वहां पे सिंदूर लगाए जाते हैं। एक साथ कम से कम अनेक स्त्रियां, जैसे गांव की जितनी स्त्रियां हैं, सब जाकर के माता को सिंदूर चढ़ाती है। और याद रखिए, बहुत ऐसी माता है जो सिंदूर नहीं चढ़ाती है, माँ को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। जब आप सिंदूर चढ़ाने जाते हैं, जब आपको कोई परेशानी हो तो माता के सिंदूर आप तो चढ़ा तो लें, लेकिन क्या करना है, आपको सिंदूर माता के मांग से थोड़ा सा सिंदूर निकालना है, ठीक है। और थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके उसको अंगुली में, कोई टोके नहीं कि तुमने उसका सिंदूर क्यों निकाला, इसमें भी आपका काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सिंदूर लगाए उसको माता को, इसमें तो कहा जाता है कि आप जब निकाले उस समय आपके हाथ में सिंदूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ पहले से सिंदूर से है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस हाथ से यदि हम लगाए हैं माता को सिंदूर, तो इस हाथ से निकाल लेंगे थोड़ा, है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे, तो आपको या ऐसे करके निकाल लेंगे ऊपर करके ऐसे सिंदूर, वैसे नीचे करके सिंदूर नहीं निकालना चाहिए, मांग से ऐसे नहीं निकालना चाहिए, कभी भी ऐसे करके निकालना चाहिए, है ना। तो माता के मांग से ऐसे करके सिंदूर आप निकालना है, पूरा आ जाएगा, ठीक है। और सिंदूर निकालना है, या ज्यादा माँ की मांग से सिंदूर गिर गया, जैसे बहुत स्त्रियां लगा रही है, 100-150 स्त्री है, तो लगाते लगाते बहुत सारे सिंदूर गिर भी जाते हैं, है ना, तो आप उस सिंदूर को उठा ले, थोड़ा सा इसमें जो है वो सिंदूर उसमें मिला ले घर में आके। और इसके बाद शनिवार के दिन में आपको क्या करना है, जब आपके पति कहीं चले जाए, तब आपको क्या करना है, शाम के बेला में उस सिंदूर को, जो आपका मेन गेट है, जैसे गेट होता है, उस मेन गेट में नीचे चौखट में वह सिंदूर लगा दें। अब मान लिया जाए किसी का पक्के का घर है, ऐसे प्लेन है, तो वो तो देख ही लेगा, तो इसलिए शाम का टाइम है कि जल्दी देख नहीं पाता है ना भाई, तो उसमें एक लकीर दे दें, पतला जैसा लकीर सिंदूर का दे दें, यानी आपका पति सबसे पहले उस सिंदूर के लकीर को टप जाए, ठीक है। इतना करना है और कुछ नहीं करना है, हाँ, लेकिन इसके लिए जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र को आपको उस सिंदूर में मारना है, और सिंदूर में मार करके कम से कम 21 बार सिंदूर को पढ़ें, एक रूम में बैठ करके, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ के पढ़ें, और 21 बार उसमें मंत्र मारे सिंदूर में, ठीक है, और पूरा आत्मविश्वास के साथ इस मंत्र को मारे, और आपका काम निश्चित पूरा होगा। तो क्या करें फिर, आपको क्या करना है, जैसे आपका पति आए, ठीक है, जैसे आपका पति आए, तो आपके पति के आने से पहले आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरे पति कब आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिए सिंदूर तब तक कोई दूसरा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इसलिए सिंदूर थोड़ा बचा के रखना, अगर कोई दूसरा आ गया दूसरे दिन काम में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करना है, कोशिश करें कि वही आए पहले, वही आएगा तभी काम होगा, कोई दूसरा घुस गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको पति के नाम से करना है ना, नाम भी आपको वहां पे लेना है पति का, तो मंत्र में आपको बार बार पति का नाम लेना है और बार बार मंत्र बोलना है, ठीक है। और इसके बाद जो मंत्र है मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ, ठीक, मंत्र इस प्रकार है, सिंदूर सिंदूर देवी दुर्गा सिंदूर लगाए, भगवती कामाख्या की पति महादेव कहा है, भगवती कामाख्या का पति महादेव कहा है, सिंदूर देवी देवताओं का पहचान कराए, वह सिंदूर हनुमान लगा के अमर हो जाए, सिंदूर 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 देवी दुर्गा सिंदूर लगाए, और उस जगह आपका पति का नाम लेना है, वह सिंदूर वह सिंदूर वह सिंदूर, पति का जो नाम है वह सिंदूर, फलना कुरु कुरु वो सब, तो आपको ऐसे बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, इतने बोल के मंत्र मारना है, बार बार मंत्र मारना है, बार बार बोलना है, और अपने उस सिंदूर को ले जाके चौखट पे रख देना, ऐसे करके, यदि चौखट है भाई तो चौखट में ही लगा दें,
और यदि पक्की का घर है तब तो आपको पतला लकी सिंदूर में लेके पतला ऐसे ऐसे करके घींच दें, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड, और जो भी आप लोग स्त्रियां सुन रही हैं ऐसे कीजिए आप। समझ में ना आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से निकाल के हमको फोन कर सकते हैं। आप लोग, आपका काम निश्चित बनेगा, आपका पति जो पराई स्त्री के पास जा रहा है वो भी छूट।